कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल है, यूनिक सा डिफरेंट सा है हेयर स्टाइल। मैंने कुछ न्यू क्रिएट किया है, क्रिएटिव हेयर स्टाइल है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और हेयर स्टाइल का फाइनल लुक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बताया था, जलेबी बन हेयर स्टाइल है ये, जलेबी जोड़ा इसको बोलते हैं। ये ब्राइडल पे भी काफ़ी अच्छा लग गया, पार्टी वियर है एंड वेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साड़ी के साथ, गाउन के साथ, एनी पार्टी वियर ड्रेस के साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं और कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करते हैं। कुछ डिफरेंट सा क्रिएटिव हेयर स्टाइल है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। तो चलिए हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे बालों के लिए पोनी बना लेंगे। पोनी ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम में रखेंगे पोनी को। और यहाँ पे रबड़ लगा देंगे, अच्छे से कॉम कर लेंगे और एक रबड़ लगा देंगे सेंटर में। ओके, रबड़ को थोड़ा टाइटली लगाएंगे और अच्छे से बालों को कॉम कर लेंगे। अच्छे से सुलझाने के बाद से बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इतना हेयर आपका ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और फिर लेसर लगा देंगे। इसका क्या करना है वो भी आपको वीडियो में पता चलेगा। उसके बाद फिर बाकी बचे बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक इस टाइप की क्लिप से सेट करेंगे। पहले आप बालों को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। टू क्लिप्स इस साइड और 2 क्लिप्स इस साइड, यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। ओके, ऊपर से बालों का पतला सा सेक्शन लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, और इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद से पूरा एंड तक ट्विस्ट कर लेंगे। एक कोने पे ले जाके यहाँ पे इस तरीके से फिंगर में इस तरीके से लपेट लेंगे सारे बालों को। थोड़ा लूज लपेटिएगा और यहाँ पे लाके यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सेट कर दोगे। तो इस तरीके से एक साइड में हम लोग सेट कर देंगे। फिर जो हमने एक और लेयर लिया था इसको भी ट्विस्ट करेंगे। और इसको भी फिंगर में इस तरीके से लपेटेंगे। और इस साइड में यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव, इन हेयर्स को भी नीचे की तरफ इस तरीके से क्लिप लगा लेंगे। इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते हुए बीचों बीच लेके जाएंगे और बाकी बचे हेयर्स को अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। और फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से फैलाते हुए बीच में एकदम इन दोनों हेयर्स को ऐसे करके और यहाँ पे यू पिन की मदद से इसको सेट करेंगे। यू पिन या बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको इजी हो, मतलब जिससे भी ये परफेक्ट बन जाए हेयर स्टाइल, उससे आप यहाँ पे सेट कर दोगे इसको। और इन हेयर को ढकने के लिए आप यू पिन की हेल्प ले सकते हो। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे
इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे अगर आपके हेयर्स इधर उधर हो रहे हैं तो आप और क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको आप रिमूव कर दोगे इस वाली क्लिप को, ओके। जो आपने क्लिप्स लगाए थे उसको रिमूव कर देंगे, क्लिप ऐड नहीं करनी है सॉरी। फिर इनको अच्छे से कॉम करोगे, कॉम करके आपको एक रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप की, इसको ले लेना है और यहाँ पे लगा देना है थोड़ी दूरी पे। उसके बाद से इसमें जितना भी हेयर बचा हुआ है एक्स्ट्रा है इनको इस बालों के अंदर रखना है और इस तरीके से फैलाते हुए पूरा यहाँ तक आप इसको यूपिन की मदद से सेट कर लोगे। जितने यूपिन लगे आप अच्छे से लगा दीजिएगा क्योंकि हेयर स्टाइल अच्छी दिखनी चाहिए। ओके, सेम इस साइड भी ऐसे ही करना है, यहाँ से हेयर सॉरी क्लिप्स को रिमूव करना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद से यहाँ पे भी आपको एक रबड़ लगा देना है थोड़ी दूरी पे, बाकी बचे हेयर को इसके अंदर हाइड कर देना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे भी यूपिन की मदद से इसको सेट कर लेना है। और इसको ऐसे सेट करना है कि एकदम बटरफ्लाई यानी कि तितली जैसा लुक आ जाए बालों में। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको फैला दोगे और ऊपर नीचे में ये पतला सा लुक रहेगा इसका। और ये पिंस लगा लीजिएगा, अच्छे से सेट कर दीजिएगा इसको। तो ये एकदम बटरफ्लाई का लुक आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमने ये बनाया हुआ था ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे रिमूव कर लेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे एक बार। जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है, बस ऊपर तक इसको अच्छे से रिमूव करके अच्छे से इसको बना लेना है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आई थी इसलिए मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे बना दिया है। ओके, इस क्लिप को भी रिमूव करेंगे, इन दोनों को थोड़ा पास में लेके आएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। आप चाहो तो यूपिन से भी सेट कर सकते हो। जैसे ये अच्छे से सेट हो जाए वैसे आप यहाँ पे इसको सेट करोगे, वह लुक अच्छा आना चाहिए। इन दोनों को एकदम एक पास ला के और एक यूपिन और लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बटरफ्लाई हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो हेयर स्टाइल, कुछ डिफरेंट मैंने करने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी इस तरीके की यूनिक हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए अच्छी लगी आप लोगों को ये बटरफ्लाई हेयर स्टाइल, आई होप कि अच्छी लगी होगी। और कैसा लगा मेरा मतलब ये हेयर स्टाइल बनाने का तरीका और हेयर स्टाइल कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।